नगर निगम के द्वारा ट्रिपल आर सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि हमारे घरों में बहुत सामानों का इस्तेमाल होता है, जिसमें जूते, कपड़े, किताबें शामिल है, जो कि यूज़ ना होने पर फेंक देते हैं, जो कि किसी ज़रूरतमंद को मिल जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ट्रिपल आर सेंटर शुरू किया है, जो कि भारत सरकार द्वारा बताया गया है कि जिन सामानों का यूज़ नहीं होता है उसे किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचाया जाए। इससे हम लोग कूड़ा फैलने से रोक पाएंगे और वह कपड़े किसी ज़रूरतमंद को मिल जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, पर्पज है रीयूज, रेड्यूज और रिसाइकल। हम बहुत सारे ऐसा सामान होता है हमारे घरों में, चाहे वो खिलौने हों, चाहे वो अपने फुटवेयर हों, कपड़े हों, किताबें हों, उसको हम जनरली उपयोग ना होने की दशा में अब फेंक देते हैं। तो एक तरफ वो कूड़ा भी इकट्ठा होता है, दूसरी तरफ जो किसी को मिल जाना चाहिए किसी जरूरतमंद को, और उसको भी हम नहीं देते हैं। तो ट्रिपल आर सेंटर की जो अवधारणा है, तो भारत सरकार के द्वारा यही बताया गया है कि जितने भी अनयूज प्रकार के लोग जिसको कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, उसको ट्रिपल आर सेंटरों में रखकर किसी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको हम अच्छा बना पाएंगे, क्योंकि कूड़ा नहीं होगा वो सीधा सीधा हम किसी को दे देंगे ज़रूरतमंद को, तो दूसरा फायदा किसी ज़रूरतमंद को चीज़ों को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रिपल आर सेंटर एक तरीके से बहुत अच्छा इनोवेटिव तरीका है, जो अपने घरों के जो अनयूज्ड सामान है उसको हम जरूरतमंदों तक पहुंचा